कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल गए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। जब उन्होंने पहली वेइंग मशीन पे अपना वेट किया तो उनका वेट 61 kgs निकला, 61 kg मात्र। तब भारतीय जनता पार्टी प्रशासित तिहाड़ जेल को डर लग गया। उनको समझ में आ गया कि अगर ये बात देश दुनिया के सामने आ गई, कोर्ट के सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 61 kgs तक गिर गया है, तो स्वाभाविक बात है कि कोर्ट नाराज होगा, जनता नाराज होगी। तो तिहाड़ प्रशासन ने क्या किया, वो एक दूसरी वेइंग मशीन लेके आए, उन्होंने फिर से वजन चेक करवाया। दूसरी वेइंग मशीन में अरविंद केजरीवाल जी का वजन 64 kg यानी 64 kgs निकला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ जेल को लगा कि ये भी अरविंद केजरीवाल जी के 21 मार्च के 70 kg वजन से बहुत कम है, तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बात रखी है वो सही साबित हो जाएगी। फिर वो एक तीसरी वेइंग मशीन लेके आए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का वजन 66.5 kg रिकॉर्ड हुआ। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके एलजी साहब की तरफ से, उनके पीएमओ की तरफ से पूरी दुनिया में ये बात बताई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी का तो वजन घटा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का वजन तो 66.5 kgs है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ प्रशासन का एक षड्यंत्र है। जब तक उन्होंने एक ऐसी वेइंग मशीन नहीं रखी जो उनका वेट गलत नहीं बता रही थी, तब तक वो बार 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 नई मशीन लेके आते रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।